फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो इनविजिबल हो चुका है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी है जो इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसने एक चीज डिस्कवर कर ली है कि कैसे खुद को इनविजिबल करना है। ओके और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी, क्या वो उसका प्रॉपर यूज कर रहा है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ठीक है, मिसयूज कर रहा है या क्या कर रहा है उस डिस्कवरी के साथ। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर एंड वी विल गेट दिस आंसर बाय द एंड ऑफ दिस स्टोरी। ओके सो हियर वी स्टार्ट। द टू बॉयज स्टार्टेड सरप्राइज एट द फ्रेश मरी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेफुट। तो क्या होता है, दो बच्चे हैं यहाँ पर, दो लड़के हैं, तो उनको दिखता है कि मिट्टी के पैर के निशान, मिट्टी से पैर के निशान हैं वो उनको दिखते हैं। ओके और बेयर फुट हैं, ठीक है, बेयर फीट मतलब नंगे पाँव। ओके तो नंगे पाँव ये जो मरी इम्प्रिंट्स उनको दिख रहे हैं। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में, क्या आता है कि एक ऐसा आदमी जो नंगे पाँव है वो घर की सीढ़ियों पे वो कर क्या रहा है, वो भी खास तौर पे अगर लंदन के बीचों बीच एक घर है वहाँ पर क्या कर रहा है, एंड वेयर वॉज द मैन, और जिसके ये पैर के निशान है वो आदमी है कहाँ। ओके तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। तो होता क्या है, वो इधर उधर देख ही रहे होते हैं तभी उनको दिखता है, क्या दिखता है कि एक और वहाँ पर फुटमार्क है, अ फ्रेश फुटमार्क जो अभी अभी ताज़ा बना हुआ है वहीं पर, और कहाँ से आ रहे हैं कुछ पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं वो भी नहीं पता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, तो क्या हो रहा है, ठीक है, एक पैर के निशान के बाद दूसरे पैर का निशान है, तो इस तरीके से वहाँ पर बने हुए हैं पूरे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और कहाँ की तरफ जा रहे हैं, बाहर स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। ओके द बॉयज़ फॉलोड, अब जो दो लड़के हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं कहाँ पे किस तरीके से जा रहे हैं। ओके फैसिनेटेड अंटिल द मरी इंप्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और धीरे धीरे क्या होता है वो फॉलो करते जाते हैं जब तक उनके जो पैर के निशान थे वो कैसे हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, मतलब मद जो होती है वो गायब हो जाती है, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, ठीक है, तो इस पूरे मिस्ट्री की एक एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सिंपल है, क्या है, the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Obviously बात है, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का काम है, ओके, जिसने ये डिस्कवर कर लिया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन, मतलब जो इनविजिबल है उसका नाम क्या है, ग्रिफिन, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. उसने एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और लेटर ऑन उसने क्या किया, ठीक है, उसने ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है। ओके सो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी उसने कर ली है। फाइनली ही सॉल्वड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और लास्ट में क्या होता है, वो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो उसको ले लेता है, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, उसकी बॉडी किस तरीके से पारदर्शी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कांच का एक बहुत बड़ा सा पीस होता है ना, उसके चारों मतलब आप आर पार देख सकते हो, क्लियर, दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो हवा की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया कि आप उसके आर पार निकल जाओगे, नहीं, वो सॉलिड है लेकिन ट्रांसपेरेंट हो गया ग्लास की तरह। ओके आप ग्लास के आर पार नहीं निकल सकते हो लेकिन आप देख सकते हो, क्लियर, ओके सो यहाँ पे यही बताया गया है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन एक लॉलेस पर्सन है वो, ओके मतलब जो कानून में यकीन नहीं रखता है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, जो उसके मकान मालिक हैं वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ग्रिफिन को, और वहाँ से उसको निकाल देना चाहते हैं। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और इस बदला लेने के लिए क्या करता है, रिवेंज लेने के लिए क्या करता है ग्रिफिन, पूरे घर को आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और कोई उसको देख ना पाए इसके लिए उसको अपने सारे कपड़े उतार देने होते हैं। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर वो कपड़े पहना रहेगा, क्योंकि वो इनविजिबल हुआ है, कपड़े इनविजिबल नहीं हुए हैं, तो अगर वो कपड़े पहनेगा तो लोग उसको पहचान जाएंगे। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, क्लियर, तो क्या होता है कि अब वो एक, ठीक है, होमलेस हो गया, उसके पास घर नहीं है रहने को, आवारों की तरह घूमेगा पूरी रोड पर, विदाउट क्लोथ्स, कपड़े भी नहीं है उसके पास, कोई पैसा भी नहीं है, और वो इनविजिबल है,
until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अच्छा, invisible वो तब तक है जब तक, मतलब जब तक उसके पैरों के निशान कहीं नहीं मिल जाते. क्लियर? तो अगर पैरों के निशान पता चल जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि यहाँ पर ग्रिफिन है. ओके, सो दिस वॉज अ थिंग. ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब क्या होता है, वो उन लड़कों से तो भाग जाता है बच के जैसे तैसे, ठीक है, और लंदन में घूम रहा होता है. बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन अभी उसकी परेशानियाँ खत्म नहीं हुई, अभी उसका एडवेंचर जो है वो खत्म नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? ही हैड चोजन, ठीक है, ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स. क्योंकि उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए बहुत गलत टाइम चुना है साल का. क्यों? इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों का समय है, सर्दियों के बीच का, बिल्कुल मिड विंटर चल रही है. और ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो बिना कपड़ों के वो सर्दी में बाहर नहीं घूम सकते. लंदन में बहुत सर्दी पड़ती है. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. हवा जो है वो बहुत सर्द हवा वहाँ पर चल रही है, ओके, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता है. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वॉर्म्थ. तो क्या होता है, ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि भाई रोड पे घूमने से अच्छा है कि किसी स्टोर में घुस जाओ और वहाँ पे कम से कम थोड़ी तो गर्मी मिल ही जाएगी. ओके, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एज सून एज द डोर्स वर शट. ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीलिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. अब क्योंकि जो स्टोर में वो घुस जाता है तो क्लोजिंग टाइम आ जाता है, स्टोर बंद करके लोग जा रहे होंगे अपने घर की तरफ, तो स्टोर को बंद कर दिया जाता है. जैसे ही डोर्स बंद हो जाते हैं, ग्रिफिन क्या करता है, ठीक है, वो कपड़े पहन लेता है और खुद को कुछ वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो खा भी लेता है. ओके, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. तो होता क्या है, वहाँ पर जो भी बॉक्सेस रखे थे, रैपर्स रखे थे, क्लियर, वो सब बॉक्स वगैरह खोल लेता है और खुद के ऊपर वो गर्म कपड़े लाद लेता है, मतलब पहन लेता है. ओके, सून विथ शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट. तो क्या होता है, वहाँ पे जो जूते रखे होते हैं वो पहन लेता है, वो ओवरकोट पहन लेता है और अपनी हैट पहन लेता है. ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. ओके, वो इस तरीके से ड्रेस अप हो जाता है जैसे कि कोई विजिबल पर्सन हो, ओके, जिसको हम देख सकते हैं. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. तो क्या होता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट के किचन में उसको वहाँ से मीट मिल जाता है और कॉफ़ी मिल जाती है. एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन. और पूरा वो खाने के बाद, उसके बाद वो, ठीक है, मील के बाद क्या करता है, मीठा खाता है और वाइन लेता है, टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, जो कि उसको ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाता है. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. ठीक है, और वहीं पर वो बैठ जाता है और सो जाता है. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ गया, क्योंकि स्टोर बंद हो चुका है, मतलब अगली सुबह स्टोर खुलेगा, अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ जाता है तो उसके लिए सब अच्छा रहेगा, अदरवाइज हमें पता है कि सब उसको पकड़ लेंगे. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. लेकिन वो अगली सुबह उठता ही नहीं है, बहुत देर हो जाती है उसको उठने में, और तब तक जो स्टोर के असिस्टेंट्स होते हैं, स्टोर पर जो लोग काम करते हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं. वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन. क्लियर? अब होता क्या है, स्टोर में क्योंकि उसने रात में रुका, वहाँ पर कपड़े भी पहन लिए उसने, अब क्योंकि कपड़े पहने हुए हैं तो लोग उसको देख सकते हैं. ओके, मतलब कपड़े की आकृति में, वहाँ पे कपड़ों के शेप में कोई ना कोई तो है वहाँ पर, तो दे नो कि ग्रिफिन जैसा एक इंसान लंदन में घूम रहा है एंड दे कैन कैच हिम. ओके, तो अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन. और अच्छा, जब उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो वो अचानक से पैनिक हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो होता क्या है कि ठीक है, लोग उसके पीछे पड़े होते हैं वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए, और वो क्या करता है, वो आराम से अपने कपड़े जल्दी से उतार देता है, सारे कपड़े जो उसने वहाँ से स्टोर से पहने हुए थे, क्लियर, और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि यही उसके पास एक बचने का रास्ता था. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर. क्लियर? अब एक बार फिर से वो इनविजिबल हो जाता है, लेकिन वो नेकेड होता है, उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं. ओके, एंड चिल जनवरी एयर. ऑब्वियसली बात है, जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी वहाँ पर लंदन में, को बर्फ़ भी गिर रही हो तो बहुत सर्दी है, और ऐसी सिचुएशन उसकी हो चुकी है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग आउट ओनली क्लोथ्स but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो क्या होता है कि क्योंकि जब वो कपड़े पहनता है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके कपड़े तो दिख रहा होते हैं कि हाँ ओके यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, लेकिन जो चेहरे वाला पार्ट रहता है वहाँ पे उसको कोई भी नहीं देख पाता है.
तो उस लोगों को समझ में आ जाता है कि ग्रिफिन है। तो अभी उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसको वो पार्ट भी अपना कवर करना पड़ेगा। ओके, तो उसको क्या पता चलता है कि एक थिएटरिकल कंपनी है जो थिएटर चलाती है, तो उसके पास हमें कुछ सामान मिल जाएंगे, कपड़े ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा में भी मिल जाएगा जिससे वो अपना स्पेस जो है, जो चेहरे का स्पेस है, हाथ का स्पेस है, उसको वो भर सकें। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ठंड से एकदम कपकपाते हुए वो ड्रूरी लेन की तरफ जाता है जो कि सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और उसको वहाँ पर एक शॉप भी मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। ओके, तो अंदर घुस जाता है वो, कोई उसको नहीं देख पाता है, वहाँ पे चला जाता है वो क्योंकि इनविजिबल होता है वो। ओके, अपस्टेयर्स जाता है और फिर वहाँ से आता है, अपने पूरा बॉडी को उसने बैंडेजेस से उसने कवर कर रखा होता है। फोरहेड हो गया, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, मतलब क्या पूरा उसने चेहरे को कवर कर रखा है, फोरहेड को कवर कर रखा है, उसने चश्मा पहन रखा है एकदम डार्क, और उसने नकली नाक भी लगा रखी है। बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। ओके, और इस तरीके से नकली बाल भी उसने लगा रखे हैं, और ठीक है बड़ी सी हैट लगा रखी है। टू एस्केप विदाउट बींग सीन ही क्लाउजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। तो क्या होता है, क्योंकि अब उसने पहन लिए कपड़े, तो वो क्या करना चाहता है, वो वहाँ से भागना चाहता है। अगर वो सामने से निकलेगा तो लोग उसको पहचान जाएंगे और पैसे मांगेंगे कि भैया आप शॉपिंग करके जा रहे हो, यहाँ से पैसे दो हमें। ओके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो शॉपकीपर को वो पीछे से अटैक करता है, और शॉपकीपर के पास जो पैसे होते हैं उसको लूट कर भाग जाता है वहाँ से। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। ओके, तो अब होता क्या है, क्योंकि लंदन में तो सबको पता चल गया कि ऐसा इशू हो गया है कुछ, क्लियर। तो अभी वो लंदन को छोड़कर भाग जाना चाहता है, तो वो वहाँ से ट्रेन ले लेता है। ओके, ट्रेन में बैठकर एक गांव चला जाता है जिसका नाम क्या है, आइपिंग, वेयर ही बुक टू रूम्स एट अ लोकल इन। और वहाँ पर जो एक लोकल इन है, इन एक जगह होती है, होटल जैसा छोटा सा रहता है, क्लियर, जहाँ पर रुक सकते हैं, तो वहाँ पर वो दो रूम्स बुक कर लेता है। ओके, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अच्छा, क्योंकि जहाँ पर वो गया है वहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि विंटर में कोई भी वहाँ पर गेस्ट आ जाए, कोई टूरिस्ट आ जाए। ओके, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो सबसे स्ट्रेंज बात क्या हो गई कि एक अनजान इंसान जो है वो इनकी इन में आ रहा है रहने के लिए, वो भी विंटर टाइम में, जो कि नॉर्मली तो नहीं होता है, क्लियर। तो ये बहुत अनयूजुअल इवेंट है, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपियरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। ओके, अब क्योंकि बहुत अजीब दिख रहा है ये, इसने सब कुछ अपना फेस वगैरह कवर कर रखा है, तो ये ऑब्वियसली बात, ये बहुत अजीब लग रहा है, और यही बात पूरे गांव में फैल जाती है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अच्छा, मिसेस हॉल क्या है, ठीक है, जो इन है वो मालकिन है उसकी, ठीक है, मकान मालिक की वाइफ है वो। ओके, तो वो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात, उनके पास कस्टमर आया हुआ है, वो भी ऐसे, ठीक है, ऑफ सीजन में। But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." Clear? तो लेकिन ग्रिफिन उनसे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, कोई फ्रेंडली बिहेवियर नहीं दिखाना चाहता है वो, तो उनको बता देता है, मैं आइपिंग में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में, और इसके अलावा जो मेरा चेहरा है वो क्या है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा पूरा चेहरा खराब हो चुका है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पो। ओके, तो क्या होता है, मिसेस हॉल जो यहाँ पर है वो बहुत सेटिस्फाई हो जाती है। क्यों सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि उनको पता है जो उनका गेस्ट है वो कौन है, वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। ओके, और ऊपर से उसने तो एडवांस में पेमेंट भी कर दिया है रेंट। ओके, तो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, तो वो कह रही कि ठीक है, वो अजीब सा दिख रहा है, मुझे इससे क्या करना, मुझे तो पैसे मिल गए ना, तो वो बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मनी, नो मोर रेडी कैश। ओके, तो अब क्या होता है, जो चोरी किए हुए पैसे होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं उसके पास, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, और ग्रिफिन को ये बात एडमिट करनी पड़ती है कि अब उसके पास कोई भी कैश नहीं बचा है, एक्स्ट्रा में कोई कैश नहीं है उसके पास। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive. तो होता क्या है, वो ये बता देता है कि मतलब pretend कर रहा है, ओके, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो चेक है वो आने वाला है कुछ ही टाइम में, तो इस तरीके से वो उस बात को संभालने लगता है।
शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. उसके बाद ये सब चीज़ें चली रही होती, फिर एक अचानक से एक चीज़ हो जाती है वहाँ पर. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ स्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द स्टडी. तो क्या होता है कि एक दिन मतलब उसी टाइम के जब ग्रिफिन वहाँ पर है और सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके पास पैसे भी नहीं है और वो कह रहा है कि चेक आने वाला, उसी बीच में एक चीज़ होती है कि एक मॉर्निंग क्या होता है, स्लर्जी मैन, ओके प्रीस्ट मान लो, ठीक है, या जो भी चर्च वगैरह से रिलेटेड लोग होंगे, क्लियर. तो स्लर्जी मैन जो है और उनकी वाइफ अचानक से वो जाग जाते हैं अर्ली मॉर्निंग एकदम, ठीक है. क्यों? क्योंकि एक आवाज़ आती है उनकी स्टडी रूम से. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द स्लर्जी मैन्स डेस्क. ओके, होता क्या है कि उसको उनको समझ में आता है कि कोई जीने उतर रहा है, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है वहाँ पर, और ठीक है जो पैसे हैं वो लेकर भाग गया है वहाँ से. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द स्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर. तो ये बात समझ में तो आ जाती है उनको, क्लियर. और बिना किसी आवाज़ का जो स्लर्जी मैन होता है जिसके घर में चोरी हो रही है, वो जो होता है वो धीरे से गेट खोलता है और बाहर निकलता है और सरेंडर. क्या चिल्लाता है वो वहाँ से? सरेंडर, ठीक है. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. ओके, फिर वो देखता है कि जैसे उसने रूम खोला अंदर तो कोई भी नहीं है, ठीक है. अचानक से उसने गेट खोलते क्या बोला? सरेंडर. लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है वहाँ पर. एंड ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स. और फिर वो और उसकी वाइफ हर जगह उसको देखते हैं कि कौन आया यहाँ पर, एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखते हैं कि चिमनी में तो नहीं छुप गया कोई. देयर वॉजंट द साइन ऑफ एनीबडी. लेकिन वहाँ पर किसी के भी होने का कोई भी साइन नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. लेकिन हाँ, एक चीज़ हुई है, डेस्क तो खोली गई थी और वहाँ जो पैसे रखे थे वो भी गायब है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द स्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. क्लियर. तो पूरे दिन वो जो स्लर्जी मैन थे वो यही बोलने लगे, ये बड़ी अजीब सी बात है. पूरे दिन वो यही बोल रहे हैं. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. ओके, तो होता क्या है, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. तो मिसेज हॉल जो है, जहाँ पर कौन रुका हुआ है, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो रुका हुआ है, वहाँ पर कुछ अलग हो रहा है. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. तो उस सुबह क्या होता है, ठीक है, जिस सुबह चोरी होती है उसी सुबह की बात है कि जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ है, वाइफ कौन है, मिसेज हॉल की बात हो रही है यहाँ पर, क्लियर. तो जो मिसेज हॉल है, ओके, वो और उनके हस्बैंड जल्दी उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का कमरा है वो धीरा मतलब हल्का सा खुला हुआ है. ओके, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. अक्सर क्या होता है कि वो शट होता है, बंद होता है और लॉक्ड रहता है. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम. और वो हमेशा डरा रहता था और गुस्से में रहता था. क्यों? क्योंकि कोई उसके कमरे में ना घुस जाए कभी. लेकिन आज तो गेट खुद ही से खुला हुआ है, तो ये बड़ी अजीब बात है. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. अच्छा, ये इतना अच्छा मौका था कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता था, क्लियर. किसके लिए? ये मिसेज हॉल के लिए और उनके हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा मौका था जानने के लिए कि ये बंदा है कौन. ओके, द पीप्ड राउंड द डोर saw nobody and decided to investigate. वो अंदर रूम की तरफ झांकते हैं, ठीक है, देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और ठीक है जासूसी करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. अब होता क्या है कि वहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है वहाँ पर, ओके, और लोग ये लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है वो जल्दी उठ गया होगा तो इसलिए सामान यहाँ पर फैला हुआ है. लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है, कि जो उसके कपड़े थे, जो उस ग्रिफिन ने कपड़े पहन रखे थे और जो बैंडेजेस अपने पूरे ऊपर लपेट रखा था उसने, वो सारे के सारे वहीं पर पड़े हुए हैं उसके कमरे में. ओके, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है. ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर. और तभी मिसेज हॉल जो है उनको अपने कान के पास एक, ठीक है, एक हल्की सी एक आवाज़ सुनाई देती है. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. तो होता क्या है, वहाँ पर जो उसकी हैट रखी हुई है ग्रिफिन की, वो अचानक से बेड पोस्ट के पास जहाँ पर रखी हुई है वहाँ से उठती है और मिसेज हॉल के चेहरे पर, फेस पर आकर लगती है बहुत ज़ोर से. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव. और फिर जो बेडरूम में चेयर रखी होती है वो भी अचानक से जिंदा हो जाती है, मतलब मूवमेंट करने लगती है. स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. तो क्या होता है कि वो कुर्सी हवा में उठ जाती है, चेयर हवा में उठ जाती है और मिसेज हॉल की तरफ अचानक से आती है. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम.
तो होता क्या है, तभी वो चेयर आके उनको, मतलब जैसे वो भागने लगते हैं मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड, वो चेयर आके पीछे से लगती है, दोनों रूम के बाहर चले जाते हैं, ओके, गिर जाते हैं बाहर। और होता क्या है, यहाँ पर डोर एकदम से बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, तो जल्दबाजी में मिसेस हॉल जो थी वो बस जीने से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, अब मिसेस हॉल को इस बात पर यकीन हो गया है कि जो कमरा है उसमें भूत आ चुके हैं, उसमें आत्माएं हैं, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और क्या होता है कि ये जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कौन है, जो रहने आया है वहाँ पर, वो जो है उसने ये जादू टोना किया है, उसने ही कुछ किया है और सारे जो फर्नीचर उसमें आत्माएं हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ओके, अब क्या होता है, वो सोच रही हैं, मिसेस हॉल सोच रही हैं कि मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी, ठीक है, और सोच रही हैं कि अब वही कुर्सी मेरे ऊपर हमला कर रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। ओके, तो अब क्या होता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, बातें तो फैली जाती हैं क्योंकि छोटा सा विलेज है, तो आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं वो किसी ने जादू टोना तो किया है यहाँ पर। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द स्लर्जीज मैंस हाउस बिकेम नोन। ओके, अब ये क्या होता है कि भाई जादू टोना है या नहीं है ये तो बातें हटाओ, लेकिन अभी लूटपाट हुई है, कहाँ पर हुई है, ठीक है, चोरी हुई है स्लर्जी मैंस के घर पर। The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और तभी लोगों को शक किस पर होता है कि ये जो साइंटिस्ट है उसी ने कुछ किया है, जरूर इसमें उसी का हाथ होगा। Suspicion grew even stronger when he suddenly pronounced some ready cash. Okay, अब होता क्या है, ठीक है, जो उस पर शक था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो शक, क्यों, क्योंकि अभी क्या 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 कह रहा था वो कि मेरे पास पैसे नहीं है, रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, मेरा चेक आने वाला है, लेकिन अब वो अचानक से पैसे भी दे देता है, क्लियर, तो अचानक से उसके पास पैसे कहाँ से आ गए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, अभी कुछ ही टाइम पहले उसने बोला था कि उसके पास पैसे नहीं है, फिर अचानक से उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो कहाँ से आ गए ये पैसे, और अभी वहाँ पर चोरी भी हुई है और इतनी सारी चीज़ें अजीब सी हो रही हैं, तो यहाँ पर लोगों का शक बहुत, ठीक है, आ जाता है इसके साइंटिस्ट के ऊपर। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और फिर ये सारी बातें विलेज के कांस्टेबल को बता दी जाती है, वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है उसको बता दी जाती है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब होता क्या है, ठीक है, जो विलेज कांस्टेबल होता है इससे पहले वो आता है, होता क्या है, मिसेस हॉल जो होती हैं वो साइंटिस्ट के कमरे में जाती हैं, ओके, और फिर क्या देखती हैं कि वहाँ पर ये ऑलरेडी हैं, ठीक है, पहले से ही आ गया यहाँ पर जो साइंटिस्ट था, अभी तो वो रूम में नहीं था, अभी तो वहाँ पे चेयर उड़ रही थी, मिसेस हॉल को मार रही थी, क्लियर, अब वहाँ पे अचानक से आदमी आ जाता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स अप स्टेयर्स, तो अब मिसेस हॉल क्या कहती है, कहती मुझे जानना है कि तुमने मेरी चेयर्स के साथ क्या किया है। ओके, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, तो अब वो क्या पूछ रही हैं, कह रही हैं, और मुझे ये भी बताओ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आ गए, और तुम पहली बात तो ये बताओ, ठीक है, कि तुम ये बंद कमरे में घुसे कैसे। तो अभी सारा शक किस पर आ गया है, ग्रिफिन पर आ चुका है। ओके, सो ये देखो यहाँ पर पूरा सीन है यहाँ पर। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, अच्छा ये जो साइंटिस्ट है वो एकदम से उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, क्लियर, तो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको बहुत जोर से गुस्सा आ रही है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई शो यू, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं समझोगे कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, ठीक है, और क्या हूँ। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, फिर अचानक से वो अपने पूरे जो बैंडेजेस होते हैं जो बॉडी पर उसके बंधे होते हैं वो सब फेंक देता है वो, ठीक है, स्पेक्टिकल्स फेंक देता है, अपनी नकली जो नाक उसने लगा रखी थी वो भी फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और एक मिनट के अंदर वो सब चीज़ें हटा देता है। द हॉरीफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, तो होता क्या है, लोग एकदम से डर जाते हैं कि क्योंकि अभी उसने कपड़े नहीं उतारे हैं, तो कह रहे अरे इसका तो सर ही नहीं है, इसका तो चेहरा ही नहीं है, तो लोग एकदम से बार के अंदर डर जाते हैं वहाँ पर। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, तो अब कॉन्स्टेबल का नाम क्या है, कॉन्स्टेबल का नाम है मिस्टर जेफर्स, ठीक है, वो आ जाते हैं। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और कॉन्स्टेबल भी डर जाता है, उसको एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसको एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स, ठीक है, इस बात से घबराया नहीं क्योंकि उसको तो अपनी ड्यूटी करनी थी। इफ अ मजिस्ट्रेट वॉरेंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, तो वो क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है
कि उस इंसान को अरेस्ट करो, तो इसका मतलब क्या है कि उस इंसान को अरेस्ट होना पड़ेगा, चाहे उसका सर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो पुलिसमैन है वो उसको पकड़ना तो चाह रहा है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे वो आदमी गायब होता जा रहा है। गायब कैसे होता जा रहा है? मतलब है कि वो एक एक कपड़े अपने उतारता जा रहा है, और अगर वो सारे कपड़े उतार देगा तो कोई भी उसको नहीं देख पाएगा। क्लियर? फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट। तो अचानक से लास्ट में क्या होता है, शर्ट उतार के फेंक दी जाती है, ओके, और कांस्टेबल को अब कोई भी नहीं दिख रहा है वहां पर, ओके, तो अब वो तो किसी को पकड़ ही नहीं सकता है। Some people tried to help him. अच्छा, कुछ लोग कांस्टेबल की हेल्प भी करना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो कर भी रहे हैं, बट फाउंड themselves हिट बाय ब्लोज एंड दैट सीम टू कम फ्रॉम nowhere. तो होता क्या है, ठीक है कि लोग उसकी मदद तो करना चाह रहे हैं पुलिस वाले की कि भाई इसको पकड़ने में, लेकिन अचानक से उन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें आके टकरा जाती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। इन द एंड Zephyrs वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। और अचानक से जो होता है Zephyrs जो होता है वो परेशान हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो ठीक है उस अदृश्य आदमी को, इनविजिबल मैन को नहीं पकड़ पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। क्लियर? मतलब डर भी है, एक्साइटमेंट भी है, और क्या चिल्ला रहा है पुलिस वाला, पकड़ो उसे, पकड़ो। क्लियर? बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। क्लियर? लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ये कहना आसान है, करना आसान नहीं है उसको। ओके, ग्रिफिन हैज शेकन हिमसेल्फ फ्री। और ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद कर लिया वहाँ से, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को नहीं पता है कि उसको कहाँ से पकड़ें, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है वो। सो दिस वॉज अ स्टोरी रिटन बाय एच जी वेल्स। ये इनविजिबल मैन जो कि एक नॉवल है, उसका एक बहुत शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर दे रखी है, ओके, उसका एक बस पार्ट है, अदरवाइज ये बहुत बड़ी नॉवल है। तो आप इसमें से नोट्स बना सकते हो, एंड यू कैन नाउ स्टडी। थैंक यू।